एक कंपनी जो पहले राजा थी, फिर वो रंग बन गई, फिर रंग से राजा बनी, यानी कंप्लीट बाउंस बैक, और अब वो सेमी कंडक्टर बनाएगी। तो हम इस कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। पहले आप कमेंट में बताएं, इंडिया में कौन सी कंपनी सेमी कंडक्टर में काम कर रही है आपकी नज़र में। आई होप जो निफ्टी बैंक निफ्टी की लर्निंग हम आप दे रहे हैं, जैसे 19,875 एक रेसिस्टेंस था, आपने इंट्राडे में देखा 875 से ही गिरा, वहीं पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 43,300 के पास बताया, आपने देखा कि मार्केट बैंक निफ्टी का 300 से ही सपोर्ट लेकर 600 तक गया, यानी निफ्टी गिरी बैंक निफ्टी ऊपर गया, जहां पर लोग समझते हैं दोनों साथ गिरना चाहिए, दोनों साथ ऊपर आना चाहिए। तो लर्निंग लाइव हमने दी और उस लर्निंग का आप इम्पैक्ट लाइव देख पा रहे हो। तो ये एक नज़रिया है जहाँ पर हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे चलता है और हम कैसे सोचते हैं। अगर आप भी यही सीखना चाहते हैं और यही सीखकर इंट्राडे स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे वो कैश में हो, फ्यूचर में हो या ऑप्शन में हो, और आप एक बिजनेसमैन हैं, जॉब पर्सन है, आपके पास फुल डे का टाइम नहीं है, तो बिल्कुल हमारी 25 नवंबर की क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। रात में आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे या रात में ही निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में प्लान बनाएंगे और अगले दिन 1 से 2 घंटे में ट्रेड करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आपके साथ लर्निंग शेयर करते हैं और आप भी उसी तरीके से करके उसका फ़ायदा ले सकोगे। लिमिटेड सीट बची है, 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कर लीजिए। सबसे प्यारी चीज़ जो अब यूनिक है, हैंड होल्डिंग तो मिलने ही वाली है 3 मंथ की, उसमें हर 15 दिन पे आपको वापस से क्लास मिलने वाली है, जिससे आप प्योर लाइव लर्नर बन सको, मार्केट की हर एक टेंडेंसी को समझ सको, हर स्टॉक की लर्निंग को समझ सको। तो बहुत यूनिक क्लास, जहां पर बेसिक से एडवांस तक क्लास हिंदी में मोबाइल पे हो भी आप ले सकते हो, बिगनर भी सीख सकता है, बिजनेसमैन हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी सीख सकते हैं। कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक अच्छी कंपनी कैसे बर्बाद हुई, फिर कंपनी का टर्न अराउंड हुआ, मल्टी बैगर बना और अब सेमी कंडक्टर की कहानी है। हो सकता है आपके दिमाग में आए वेदांता की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ वेदांता की बात नहीं कर रहे हैं, बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्पेशली मेरे लिए सेमी कंडक्टर हाईलाइटर नहीं होता है, जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ, दोस्ती कराता हूँ, तो स्पेशली वो जो टर्न अराउंड है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने वो टर्न अराउंड को समझने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो इस शेयर का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसे क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नाम से जाना जाता था, राइट। मल्टीनेशनल कंपनी है, कई दशक पुरानी है। दशक क्यों बोला, आज़ादी से पहले 1937 में कंपनी की स्थापना हुई थी। सीजी पावर ने हाल ही में अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले कई सालों में कई सारी घटनाएं हुई। एक समय बहुत ज़्यादा कर्ज था और कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, रेवेन्यू लगातार कम हो रहा था। इसके अलावा कंपनी के पिछले मैनेजमेंट, आज के मैनेजमेंट नहीं, पिछले मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे, जिसकी वजह से कंपनी एक टाइम पर 5 रुपये के प्राइस पर आ गया। इसके बाद एंट्री होती है हीरो की और हीरो ब्लॉकबस्टर बना देता है और इस हीरो का नाम है मुरुगप्पा ग्रुप, जी हाँ, जिन्होंने इसे एक्वायर किया, कंपनी के ऊपर से कर्ज को धीरे धीरे कम किया और आज के टाइम में कंपनी लगभग कर्ज मुक्त बन चुकी है। धीरे धीरे अपने रेवेन्यू, बिजनेस की रफ्तार को फिर से पा लिया और 5 रुपये के लेवल से आज पहुंच चुका है 469 पर। मुख्य तौर पर कंपनी बिजली से जुड़ी हुई है, कंपनी बिजली बनाने से लेकर उसके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाती है और उन्हें बेचती है। इसके अलावा कंपनी रेल ट्रांसपोर्टेशन में भी सक्रिय है और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई साजो सामान, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग का काम करती है। यहाँ पर ये जो कंपनी है, इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में टर्नकी सॉल्यूशन भी देती है। सीजी पावर को जब मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर किया था तो क्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किया था, क्योंकि उनके भी प्रमोटर वही हैं। और एक्वायर करने के बाद कंपनी के ऑपरेशन फाइनेंशियल में काफ़ी सुधार हुआ और इस एक्विजिशन के बाद कंपनी ने अपनी पूरी क्षमता से काम किया। कंपनी के फाइनेंशियल रेटिंग में सुधार मिला, जिससे आने वाले टाइम में अगर और कर्ज लेकर कंपनी व्यापार को बढ़ाना चाहे तो अब मुश्किल नहीं होगी, तब मुश्किल थी। कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए आसानी से पैसा मिल जाएगा, यानी क्यूब इन्वेस्टमेंट इसकी प्रमोटर कंपनी है, जिसके पास 53% की होल्डिंग है। अब मुरुगप्पा ग्रुप के अंदर आ जाने से इस कंपनी के ऊपर इसके वेंडर और कस्टमर का भरोसा फिर से लौट आया, क्योंकि हीरो पर ट्रस्ट था, कंपनी पर नहीं, उस ग्रुप पर ट्रस्ट था।
इसके अलावा कंपनी के वर्किंग एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है जैसा कि मैंने बताया, इसलिए कंपनी को हर क्षेत्र में बढ़त देखने को मिल सकती है। ये कंपनी पावर सिस्टम सेगमेंट के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन, स्विच गियर, ऑटोमेशन का काम करती है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। हमारे देश में पॉपुलेशन के हिसाब से अभी पावर का कंजप्शन जो भी है, आप भले ही उसको ज़्यादा मानो, बट है कम। और जैसे जैसे देश विकसित होगा तो यहाँ पर दूसरे विकसित देशों की तरह बिजली की खपत तेज़ी से बढ़ेगी, और इसको पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के उपकरण बनेंगे, और वहाँ पर फ़ायदा किस कंपनी को होगा, इस कंपनी को होगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ, और इसके लिए मुझे 2014 में चलना पड़ेगा कि कंपनी का रेवेन्यू 2014 में 13,000 करोड़ हुआ करता है, जो कि 2021 में घटकर 2,964 करोड़ हो गया। लेकिन सीजी पावर के मुरगप्पा ग्रुप के द्वारा एक्वायर करने के बाद से फिर से सेल में बढ़ोतरी हुई, जिसका डेटा मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे रेवेन्यू पे अगर फोकस करें तो पावर सिस्टम से 29% का, इंडस्ट्रियल सिस्टम से 71% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर इनका डोमेस्टिक बिजनेस ज़्यादा है 90% और एक्सपोर्ट 10% का। 400 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। अब यहाँ पर अगर हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इनके जीरो से हीरो बनने की कहानी को मैंने बताया है ना, तो इसीलिए जब आप इनके सेल की तरफ नज़र डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप देखोगे 2012 से 2014 तक किस तरीके से सेल बढ़ा, और उसके बाद किस तरीके से सेल घट के 2021 तक में 2964 आ गया था, लेकिन वापस से अब ये बढ़ना सेल शुरू हो गया है। उसी तरीके से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो कंपनी का सही चल रहा था 2012 तक, बट उसके बाद से जो घटना शुरू हुआ था वो खराब हुआ, और फाइनली अगर आप गौर करते हो तो 2022 से वापस से चीज़ें सुधरनी चालू हो गई। वैसे ही आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 2022 के बाद सुधरना चालू हो गया, नेट प्रॉफिट देखोगे 2022 के बाद सुधरना चालू हो गया। और यही रीज़न है कि अगर आप इस चार्ट के यानी सीजी पावर वाले पे जाओगे तो आप पाओगे कि सीजी पावर ऑलमोस्ट डेड की तरह ट्रीट कर रहा था, एक रेंज में जहां पर कुछ उम्मीद नहीं थी क्या कर सकता है। लेकिन 2021 के बाद जब इसका दिन बदला तो ये लगातार ऊपर जाना शुरू हो गया। तो यहां पर ये सारा टर्न अराउंड उस एक्विजिशन से ज़्यादा मेरा मानना है कि किसने एक्वायर किया, कौन उसके पीठ पर खड़ा है, वो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देता है। और वहां पर अगर हम आज की डेट में बात करें तो FII की होल्डिंग 16.74%, और प्रमोटर ने भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 58.12% कर लिया है। DII की होल्डिंग 7.83% है और पब्लिक की होल्डिंग 17.31% है। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर जो बचा हुआ है, तो हम पहले सेमीकंडक्टर जानेंगे और फिर हम वैल्यूएशन जानेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट गेम है जो समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वेदांता के बारे में भी आप सेमीकंडक्टर सुने, टाटा के बारे में भी सुने। अब ये जो लॉजिक होता है ना, यही लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब रिटेल भाई मार्केट में आते हैं सडनली सुना अच्छा ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाएगी, दो दिन तेजी हुई, दौड़ के पकड़ लिया, बाद में वो स्टॉक गिर जाता है, उन्हें समझ नहीं आता है। तो वो समझाना मेरा काम है, तो वो मैं समझाऊंगा, सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा, वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा, और सबसे रियल लॉजिक को वेदांता और टाटा से मर्ज करते हुए बताऊंगा, तब एक फाइनल समरी बनेंगे। तो आपने बाउंस बैक की तो स्टोरी देख ली, अब पहले सेमीकंडक्टर न्यूज पर चलते हैं। तो कंपनी ने कहा है कि उसने आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी स्थापित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आवेदन दायर किया है। यहाँ पर 5 साल की अवधि में प्रोजेक्ट पर 6,592 करोड़ रुपये लगाने का इनका इन्वेस्टमेंट का अनुमान है। और कंपनी ने बताया कि आवेदन दाखिल करने के साथ ही कंपनी ने भारत में कंपाउंड सेमी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग पैकेजिंग या OSAT फैसिलिटी की स्थापना के लिए मॉडिफाइड स्कीम के तहत नई फैसिलिटी स्थापित करने के लिए सब्सिडी की भी मांग की है, क्योंकि सरकार दे रही है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारी चीज़ों पर चूँकि मैंने इनका आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से नेट सेल बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन 2024 के लिए रेवेन्यू गाइडलाइंस को इन्होंने 7,000 से 7,500 करोड़ के रेंज में रखा है, और कंपनी ने स्विच गियर सेगमेंट में अपनी क्षमता, जो मैंने कैपेक्स की बात की थी, उसके विस्तार का प्लान है जो कैपेक्स का मैंने बताया। और अक्टूबर में इस सेगमेंट के लिए कॉन्सोलिडेटेड ऑर्डर बुक 5,229 करोड़ था, यानी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर हम पहले वैल्यूएशन जान लेते हैं और फिर सेमीकंडक्टर की कहानी जान लेते हैं। वैल्यूएशन पे आएंगे तो जब इसके इंडस्ट्री पी में देखते हैं तो 39.9 है, स्टॉक पी 83 है,
क्योंकि एक्चुअली जो अब आपने क्या देखा चार्ट में कि ये लगातार भागा है और बम्पर भागा है, बम्पर रिटर्न दिया है, तो स्टॉक तो महंगा होगा ही ना। वहीं पर पीजी रेशियो भी देखोगे तो 2.92, यानी दोनों पैरामीटर पीई और पीजी दोनों पैरामीटर पे स्टॉक महंगा, यानी कंपनी अच्छी है बट स्टॉक महंगा है, इसको कभी भूलने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट डेट फ्री मैंने बोला था, क्योंकि देखो डेट इस पे 16.9 करोड़ का है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अच्छा है 865 करोड़ का है। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है वो समझिए, जो मुझे पर्सनली लगता है, गौर करिए। सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए, जैसे ही खबर आई क्या हुआ, 22 नवंबर को 386 के लो से ये शेयर चला गया 469 तक, और उसके बाद क्या हुआ, आज 23 नवंबर को ये स्टॉक 503 तक गया, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ट्रेड कर रहा है 462 पर। ध्यान से समझिएगा, अगर सोचिए किसी ने जोस में आकर हाई पर खरीदा तो क्या हुआ, फंस गए, फंसे कि नहीं फंसे, और अंत में अगर जो इंट्राडे वाले या स्विंग भी होंगे तो 20 रुपये का भी असर डाले तो उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। दिस इज द पार्ट ना जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा। तो मेरे कहने का मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को हम रिलेट करते हैं टाटा से भी, वेदांता से भी, और यहाँ पे आपको बताया टाटा भी बोल रही है कि हम सेमी कंडक्टर बना रहे हैं, काफ़ी बातें चल रही है, वेदांता बोल रही है, और वहाँ पर अब सीजी पावर। तो देखिए ये सारी कहानी जितनी भी होगी ना बस न्यूज बेस होगी, रियल स्ट्रक्चर जब वर्किंग शुरू हो जाएगा ऑन पेपर परफेक्टली सही तरीके से, तभी कुछ कहानी दिखेगी। और जब तक प्रॉपर सही तरीके से कहानी नहीं दिखेगी, जब जब ऐसा कुछ न्यूज आया सडनली, अच्छा सरकार ने ऐसा कर दिया, वो सडन भागेगा और फिर गिरेगा। तो इंतज़ार किसका है, इंतज़ार है फैक्ट्री लगने का, इंतज़ार है वहाँ वर्किंग होने का, वो जब तक नहीं होता है तब तक वहाँ पर वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। तो ये एक लर्निंग को हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर की लर्निंग हो या किसी और चीज़ की लर्निंग हो, क्योंकि ये लर्निंग जब आती है तो हम दौर के कोई भी बाय चीज़ या सेल करना बंद करते हैं, बल्कि चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आप इस बात को रिलेट कर सकते हो, वेदांता में भी जब आया था न्यूज़ सडनली पंप हुआ था शेयर, फिर गिर गया था। टाटा ग्रुप में बात होता है बट टाटा ग्रुप में ये क्लियर नहीं है कि सेमीकंडक्टर से स्पेशली किस शेयर को फ़ायदा होने वाला है। तो ये कई सारी चीज़ें जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, यानी आपने ये सीखा कि एक अच्छा शेयर है, एक अच्छी कंपनी है, जहां पर अच्छी कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, इस कंपनी में एक अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, यानी अगर ये शेयर आपको गलती से नीचे गिरता है तो आपके लिए एक आई विजन होगा, ओ अच्छी कंपनी मिल रही है, अंडर वैल्यू मिल रही है, तब आपका दिमाग अलर्ट होगा कि मुझे कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो 5458 का पहला हाई था जहां से गिरा, और दूसरा कल ब्रेकआउट हुआ था, यानी 455 के पास का जो है ना इसका सपोर्ट लेवल है। तो लेट्स सी, अगर टेक्निकल में जाते हैं तो क्या 455 के सपोर्ट को होल्ड करता है, तो टेक्निकल कहता है कि डबल टॉप के ब्रेकआउट के बाद अगर उसको होल्ड करता है, बाइंग कन्फर्मेशन रहता है, तो वो एक मूव दे सकता है। तो इस तरीके से हम टेक्निकल देखते हैं, इस तरीके से न्यूज़ देखते हैं, कब किसको अवॉइड करना है उसको देखते हैं, और जब इतना मिश्रण मिलाते हैं ना दोस्त, तब जाके एक डिसीजन लेते हैं कि हमें करना क्या है। और हर ट्रेडर को यही करना चाहिए, सेबी भी यही कहने की कोशिश बार बार कहता है, एजुकेट बनिए, टिप्स पे मत रहिए, खुद का मास्टर बनिए। पता है जब हमें खुद जानकारी होती है तब हम एक सही डिसीजन ले पाते हैं, और यही कोशिश थी। आई होप वीडियो पसंद आई हो, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए और बताइए।